साल 5 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम और आजाद कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारत के मजालिम के शिकार अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती का दिन मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के हर छोटे बड़े शहर और कस्बे में रैलियों, जुलूसों और सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में गासिब भारत के मजालिम को आलमी बरादरी के सामने आश्कार किया जाए। ये दिन मनाने का मकसद ये है कि तनाज़े कश्मीर को बैनुल अक्वामी सतह पर उजागर किया जाए और अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम से किए गए वादे याद दिलाए जा सकें। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कश्मीरी भाइयों के दुख दर्द को हमेशा महसूस किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पर कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात और वहां काबिज भारतीय फौज के जंगी जराइम को पाकिस्तान ने हमेशा अक्वामे मुत्तहिदा के सामने रखा है और इस आलमी इदारे को इसकी जम्मू कश्मीर के हवाले से जिम्मेदारी याद दिलाई है। मिस्टर प्रेसिडेंट, 100,000 कश्मीरीज हैव डाइड इन द पास्ट 30 इयर्स बिकॉज दे वर डिनाइड द राइट गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस, द राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। 100,000 हैव डाइड एंड 11,000 वुमेन हैव बीन रेप्ड। देयर आर टू ह्यूमन राइट्स United Nations Human Rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences, and I've come here to tell the UN, you've got to. This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. 5 फरवरी को यौमे यकजहती की सबसे अहम तकरीब का इनेकाद आजाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम पुलों पर किया जाता है। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाते हैं जो पाकिस्तान और कश्मीर के अटूट और बेलौस रिश्तों की तर्जुमानी है। 1947 में बरे सगीर पाको हिंद ने बरतानवी राज से आजादी हासिल की। यूं पाकिस्तान और भारत की दो आजाद और खुद मुख्तार रियासतों का जहूर हुआ। मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर तकसीम बरे सगीर के रहनुमा असूलों के तहत मुमलिकत पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा बनती थी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम की नुमाइंदा जमात ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले इजलास में रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से इलहाक की मुत्तफिका करारदाद मंजूर की। 27 अक्टूबर को भारत ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत श्रीनगर पर हमला कर दिया और रियासत जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्जे की कोशिश की। कश्मीरी अवाम गासिब भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए और काबिज भारतीय फौज का डट कर मुकाबला किया। कश्मीरी अवाम के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त को देखते हुए नई दिल्ली में बैठे भारतीय हुक्मरान अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ दौड़े और ये मौकफ इख्तियार किया कि पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर में मुदाखलत कर रहा है। ताहम अक्वामे मुत्तहिदा ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया और 5 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुदिरादियत देने की करारदाद मंजूर कर ली। भारत ने बादले नाख्वास्ता अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के सामने जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुदिरादियत देने का वादा तो कर लिया मगर बाद में भारतीय हुक्मरानों ने पैंतरा बदला और जम्मू कश्मीर को अपना अटूट अंग करार दे दिया। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी इस भारतीय गुलामी को कबूल नहीं किया। कश्मीरी अवाम ने हमेशा भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला किया और आज भी भारतीय गुलामी से निजात और पाकिस्तान से इलहाक की जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाकिस्तानी और कश्मीरी तारीखी, मजहबी, जोग्राफियाई और सकाफती रिश्तों में मुंसलिक हैं।